घने कोहरे के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा फ्लाइट देरी से चल रही हैं या कैंसिल हो गई हैं। यात्री परेशान हैं। इंडिगो की एक फ्लाइट में तो एक यात्री ने को पायलट को सरेआम थप्पड़ मार दिया। दिल्ली पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई इस व्यक्ति के खिलाफ की जा रही है। उधर एयर इंडिया की फ्लाइट लेट होने के चलते जबरदस्त हंगामा भी एयरपोर्ट पर देखने को मिला। इंडिगो फ्लाइट में को पायलट अनूप कुमार उड़ान में देरी का अनाउंसमेंट कर रहे थे कि इस यात्री साहिल कटारिया ने उन्हें जोरदार घूंसा मारा। कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। इसके बाद सीआईएसएफ ने साहिल कटारिया को हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी दक्षिणी दिल्ली का रहने वाला है। सीआईएसएफ ने उस जो यात्री है साहिल कटारिया उसको डिटेन कर लिया और दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंडिगो के विमान को रविवार सुबह 7 बजे गोवा जाना था। सभी यात्री विमान में बैठ गए थे लेकिन देरी होती गई और 2:30 बजे विमान के दरवाजे बंद करके कहा गया कि विमान टेक ऑफ करने वाला है। लेकिन इसी बीच को पायलट अनाउंस करने के लिए आए कि फ्लाइट में और देरी हो रही है। इससे एक यात्री साहिल कटारिया आपा खो बैठा। This pilot, he coming and saying, ये पायलट बार बार आ रहा था और कह रहा था कि आप लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं और आपकी वजह से हमने अपनी लाइन मिस कर दी और अब हमें इंतजार करना होगा। उड़ान में देरी होने की जिम्मेदार पायलट यात्रियों को ठहरा रहा था। He blamed passengers that because of them they have to wait longer like and this delay because of them. इस विमान ने 12 घंटे के बाद शाम 7 बजे गोवा के लिए उड़ान भरी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस फ्लाइट को सुबह 7 बजे निकलना था और सारे पैसेंजर्स फ्लाइट के अंदर बैठ गए, लेकिन इसी बीच अनाउंसमेंट किया गया कि फ्लाइट 10:30 बजे जाएगी। 10:30 बजे दोबारा अनाउंसमेंट हुआ कि फ्लाइट 12:30 बजे जाएगी, लेकिन तब भी फ्लाइट नहीं गई और सारे पैसेंजर्स अंदर ही बैठे रहे। इसके बाद ये कहा गया कि फ्लाइट करीब 2:30 बजे गोवा के लिए निकलेगी। 2:30 बजे फ्लाइट के दरवाजे बंद हो गए और तब तक सारे पैसेंजर्स अंदर थे, लेकिन दरवाजे बंद होने के बाद जो को पायलट अनूप कुमार हैं वो आए और उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि फ्लाइट अभी और डिले है और फ्लाइट अभी नहीं जाएगी। इसी तरह 14 जनवरी की ये तस्वीरें एयर इंडिया के विमान की हैं, जहां यात्रियों का केबिन क्रू के लोगों के साथ झगड़ा और हंगामा हो रहा है। विमान को सुबह 9 बजे मुंबई के लिए उड़ना था, लेकिन यात्रियों के मुताबिक फ्लाइट 17 घंटे बाद उड़ी। इस दौरान कभी उन्हें बताया गया कि विमान का पायलट दूसरी फ्लाइट में चला गया है, तो कभी कहा गया कि केबिन क्रू के लोग दूसरी फ्लाइट में चले गए हैं। यात्रियों के मुताबिक उन्हें खाना भी नहीं दिया गया और वो 17 घंटे तक एयरपोर्ट पर पड़े रहे। दिल्ली में कोहरे और लो विजिबिलिटी की वजह से 100 से ज्यादा देसी विदेशी फ्लाइट देरी से चल रही हैं और कई फ्लाइट कैंसिल भी की जा रही हैं। रात को 3 बजे की थी, अभी 11:32 पे आई है। अच्छा, अभी व्हाट डिले फ्लाइट? 10 घंटा लेट है। अच्छा। गेस्ट आ रहे हैं सऊदी एयरलाइंस से, जद्दे से जो है वो 2 घंटा लेट है। अच्छा जी, तो उसका 8:54 का टाइम था और वो 10:11:17 पे उतरी है फ्लाइट। अच्छा। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।